भी इसमें एक चीज़ ये वो कि वो किताब ने चार कैपिटल्स की काफ़ी सारी बात की मेरी उम्र का बंदा मेरे टाइप का बंदा ये यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है आपको सुनता है अगर हम कहते हैं यार आई टू इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं एक एक्टिविज्म क्रिएट होता है आप एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली आप अगले क्या स्टेप्स हमें सजेस्ट करते हैं राइट थ्री लेवल्स लॉन्ग टर्म स्टेप्स शुरू करने पड़ेंगे आज बना और लॉन्ग टर्म नहीं वो इंडेफिनेट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टार्ट तो आज ही पड़ेगा एक मिड टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है ठीक है तीनों के तीनों रेजोनेट करेंगे वरना लॉन्ग टर्म निशीव होगा कोई क्विंस लो हैंगिंग फ्रूट्स अभी आप पकड़ेंगे ठीक है सो so, ये जितने भी फिरकों के अंदर जितने भी लड़ाई चल रही होती है ना मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा होता हूँ बिकॉज दिस इज इज समथिंग रेजिंग सो यू ट्राई एंड यूटिलाइज द काइंड ऑफ एक्मेंट वहां से आप लें और उस एज ब्रैकेट को सबसे पहले फोकस करें जो इस वक्त अर्ली ट्वेंटी लेट ट्वेंटीज के अंदर सबसे पहले यो यो आपको तो देखें हर बंद के अंदर एक लव रेडार होता है याद रखना ठीक है लव रे क्या होता है कि एक इंसान को कुछ और पता ना चले ना चले ये पता चल जाता है कि एक बंदा मेरे से प्यार कर रहा है ओके ही ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी बिकॉज डज नॉट हैव हद तक नहीं इस केंदर, इस केंदर है इसके अंदर इसके अंदर मोहब्बत है सो आप अपने उस यूथ को सही ग्रामर के अंदर इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर और वाकई में असली मोहब्बत के साथ क्या है अल्लाह का बंदा है इसको मैंने बचाना है इस एंगल से इस ट्वेंटीज और थर्टीज वाले को सबसे पहले कैप्चर करें क्योंकि ये बीमारी नई नई लगी भी इनको hmm. स्कूल के बच्चों की एज के अंदर बीमारी आई नहीं होती सो यू स्टार्ट बेसिक्स बेसिक बिल्डअप उधर शुरू कर दें जैसे मौलाना मुद्दी साहब की किताब है दीनियात दिस शुड बी इन आवर एवरी हाउस होल्ड फिला दें क्योंकि वो इतनी परफेक्ट ग्रामर में लिखी वो परफेक्ट क्यों कह रहा हूँ हर ईरा की और हर जनरेशन की अपनी ग्रामर होती है जेन जी की ग्रामर चेंज हुई है जेन जी इज ना इट बट जेन एक्स जेन वाई यू नो इन लव विद इट देव देख ओके सो so ग्रामर आपकी ठीक हो कम्युनिकेशन ग्रामर के बगैर एलोकेंट नहीं होनी चाहिए अगर उसके बगैर एलोकेंट है तो फिर आप नार्सिसिज्म का शिकार है सो so, अगर आप सही ग्रामर के अंदर इस यूथ को कैप्चर कर रहे हैं ठीक है तो आपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सिक्योर कर ली हुई है क्योंकि बाबा तो नहीं बचना कॉमन सेंस की बात है मैन यू नो मेरा लाइफ स्पैन और एक चार साल के लाइफ स्पैन है किसको मेहनत करनी है चार साल भी कर रही है दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मसला है कि आपको स्वीट स्पॉट पता होना चाहिए इस वक्त जो अगले पचास साल का स्वीट स्पॉट है वो इस वक्त का थर्टी ईयर ओल्ड के पास है वो इस इस वक्त के ट्वेंटी या टेन ईयर ओल्ड के पास नहीं है स्वीट स्पॉट होता है कि एक बंदा अपने मिड फोर्टीज़ और अर्ली फिफ्टीज के अंदर अपनी नेचुरल ताकत में आता ही आता है इन चारों कैपिटल में साइकोलॉजिकल स्वीट स्पॉट उस स्वीट स्पॉट को अचीव करने के लिए आपने देखना होता कि आपकी प्रोजेक्टरी के अंदर किस पर मेहनत मैं करू बारह साल के बच्चे में मेहनत किसी और चीज की है hmm. और तीस साल के बंद के ऊपर ही इज अबाउट टू हिट इन चारों में से नेचुरली आने लगाए फाइनेंशियल कैपिटल में पकड़े जो मर्जी में कर लू थर्टीज और फोर्टी में अगर जिंदा हूं तो कुछ ना कुछ माल मैंने बनाया है hmm. अपनी टाइम के ऊपर मैं हूं सो यू नीड टू सी कि इनके कॉन्सेप्ट डेवलप करें और इनको किस तरीके से मुताहरक करें क्योंकि अगर ये मुताहरक हो गए तो दे हैव ऑलरेडी अचीव सम लेवल ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर ओके सो जितने भी ये नवाज शरीफ इमरान खान के लाई हो रही थे देर बिल्डिंग द पोलिटिकल एक्मेंट इवन दो इंतहाई पैटी लेवल के ऊपर जिस मर्जी पाकिस्तानी को ले लेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कख पता नहीं होगा इनको मैं अभी बता दूँ सेमी कंडक्टर को छोड़ दें ताइवान मैप के ऊपर भी नहीं ढूंढ सकता पाकिस्तानी ठीक है उसको ये नहीं पता तीन अलग अलग अध्ययन इस वक्त दुनिया में नाफ़न है इस्लाम उनमें से एक भी नहीं है ठीक है कौन कौन से दीन इस वक्त पूरी तरीके से एनफोर्स हो रहे हैं आपस में लड़ भी रहे यू you नो know, ये सूर्य रूम याद आ रही होगी आप सबको कि जब दो बड़ी कोतें टकराती हैं तो मुसलमान सोच क्या होता है सीरा में पढ़े मुसलमान उस वक्त क्या सोच रहे होते हाउ आर दे लैंडस्केपिंग द होल यू नो ग्लोबल मैप सो थर्टीज और फोर्टीज़ वाला किसी और तरीके से किसी और ग्रामर में आपने पकड़ना है अंडर दैट किसी और में और यू you नो know, बच्चे किसी और में बच्चों को तो कभी भी उस ग्रामर में भी नहीं आप पकड़ सकते को पकड़ते इफ रन अवे फ्रॉम यू है ट्वाइस द स्पीड और कभी भी नहीं वापस आएंगे और यही हुआ मौलवियों के साथ भी पाकिस्तानी बच्चा किसी भी बड़े शहर में मौलवी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ों की ग्रामर में बच्चों से बात करता है अब इट इज सच ए कॉमन रुकी मिस्टेक क्यों सर हम पढ़े ही ऐसे हैं तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आप पढ़े थे जो आपको याद है वो आपके लड़कपन का है, जवानी का याद है जो आप बचपन में पढ़े थे ना वो आपको याद भी नहीं है और वो डंडे से ही पढ़े होंगे बच्चा किसी और एंगल से आता है मैं आपको ये बता दूँ हॉलीवुड इज ट्रेनिंग दैट कॉन्शियस माइंड के किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी होती है मैं फ़िल्मों की तरफ नहीं भेजना चाह रहा हूँ मैं आपको फिल्म नहीं सुनानी दिखानी इस्लाम की फिल्म सुनानी है हीरो क्रिएट कैसे होता है विलन के बगैर हीरो नहीं क्रिएट हो सकता जितना बड़ा विलन होगा उतना बड़ा हीरो हो जाएगा खुद ही एंड गलायत जालूद और दाऊद अलैहिस्सलाम जालूद को एक्सप्लेन करेंगे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के मेरिकल नजर आएंगे और ये वही आयात हैं याद रखिएगा दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ था किसी एक पाकिस्तानी का सौ का सैंपल लेंगे एक को पता होगा सॉरी हजार में से एक को पता होगा दस हजार में से भी एक को पता होगा चले इतना ये रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि दाऊद अलैहिस्सलाम को असल में मेरिकल मिला क्या था और वो मेरिकल कैसे अल्लाह ताला ने उसको प्रोपोर्शन और फार्मूला भी दिया हुआ कुरान में मगर हम सोच हमने जालूत नहीं समझ आया ना इसलिए उस मौजे की वैल्यू नहीं मिली तो विलन को क्रिएट कैसे करना है और हीरो uh, को प्रेजेंट कैसे करना है उसके सामने दैट्स व्हेन द विक्ट्री इज कम इन इफ दैट विक्ट्री इज नॉट प्रेजेंटेड वेल पीपल आर गोना रन अवे फ्रॉम द कुरान सो जब भी आप खुतन को देखेंगे कौन सी सूरत पसंद है सूरज यूसफ पसंद है सैंपल लेके देख लें सोचें अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कुराना पाक में रीजन स्टोरीज के थ्रू ग्रामर क्रिएट होती है ग्रामर के थ्रू चेंज क्रिएट आती है क्योंकि कम्युनिकेशन इंस्टिल की जाती है पेनिट्रेट की जाती है और जब आप सही ग्रामर के अंदर सही स्टोरी टेलिंग कर रहे होंगे आप खुद सोचें मैंने कम से कम आठ या नौ जब आप स्टोरी के एंगल बदले बात करने से पहले मैं एन क्रिएट करता हूँ एनलजी के अंदर अभी भी सबके दिमाग के डोपामाइन सेंटर खुले हुए कि सलाम को आके पूरा क्यों सुना देयर इज अ रीजन वाई आई एम डूंग दिस सो दैट एवरीवी एनडरस्टैंड के टेक्निक बड़ी सिंपल है फार्मूला हॉलीवुड को आ गया है हमें क्यों नहीं आया बिलियंस बना रहे हैं वो फिल्म एक एक फिल्म आप तो बिलियन भीट कर गई ना एक फिल्म बिलियन भीट कर गई इनकी सोचें 300-400 सो, सो मिलियन डॉलर कैसे बनाए जाते हैं पूरी दुनिया को इकट्ठे करके बनाए जाते हैं पूरी दुनिया अपनी मर्जी से पैसे दे के आती है इनके घरों में जी और हम मतलब लिटरली हम उनको पैसे भी दें ना तब भी हम उसे कुरान सीखने नहीं आएंगे

अल्लाह करे मरु भी मैं ऐसे ही कि सीरा का लफ्ज किसी ने ना बोला हो मैं तो आता ही सारे दिन फर्स्ट सीरा सीरा ये बोलेगा सीरा पढ़ो सीरा पढ़ो क्यों क्योंकि सीरा इज नथिंग बट अ स्टोरी सीरा इज विलन सीरा इज हीरोज सीरा इज फाइट्स अगर हम प्रेजेंटिंग आप फिर हजार का सैंपल लें कुरान के छे सौ मिल जाएंगे हज़ार में से हज़ार ने कुरान देखा हुआ होगा एक दफ़ा पढ़ा होगा बचपन में छठी क्लास में खत्म भी कर लिया होगा उसने छः साल में छठी में छोड़ी उसके बाद नहीं कभी देखा होगा मगर एटलीस्ट कुरान पढ़े और हज़ार में से दस मिलेंगे जिन्होंने सीरा असल में पढ़ी और दस में से एक मिलेगा जो उसको समझ रहे कि भाई इसका कुरान से लिंक क्या है और कुरान बग़ैर सीरा के मेरा अपनी राय है कंटेस्ट करके देख लीजिएगा कुरान बगैर सीरा के समझ नहीं आ सकता भाई आपको अपना नबी नहीं समझ आया तो कुरान कैसे समझ आएगा कुरान तो एक्सप्लेशन ऑफ़िट इसलम लाइफ है सोचें जो वाक्य नीचे हो रहा है अल्लाह ताला आयत ऊपर से बता रहे हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया और आयशा द्यार रजी अल्लाह अन्हा ने कहा मेरा नबी चलता फिरता कुरान है दिस मैन इज अ वॉकिंग कुरान यू वांट टू सी कुरान ये हियर यू गो सो क्या ये क्या है ये मामला ये मामला ऐसे ही है कि सीरा कुरान की प्री बेसिक थी प्री रेक्विजिट थी जब आप सीरा को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान पाक वाज एन एक्चुअल जिसके थ्रू आप हल्ड कर सकते हैं ना आवाम को और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बाबा हेट में hmm. मैं बाबा की ग्रामर क्रिएट नहीं करता बाबा की ग्रामर मुझे क्रिएट करने का लॉन्ग टर्म में भी कोई फायदा नहीं है उस बाबा ने होना नहीं है ठीक है सारे बाबा जिंदा और सारे बच्चे मारते हैं पता है मगर पैटर्न ये बता रहे हैं कि बाबा जी पहले मरेंगे बच्चे बाद में सो so, मैंने हंड्रेड ईयर प्लान बनाया है अपनी वेबसाइट पे डब्ल्यू डब्ल्यू रोर्स को माथे पे लिखा हुआ है आई एम एस की वेबसाइट पे इस्लामिक मेसिंग सिस्टम डॉट कॉम के ऊपर कि हंड्रेड ईयर प्लान यह कि दादा अपने पोते को देखता है पढ़ पोते को नहीं देखता तो ये तीन बंदे चाहिए दादा बेटा पोता ठीक है ये दादे को चैलेंज जब जब पोता बाप को चैलेंज नहीं करेगा तो फिर वही कुछ चलेगा जो दादा करता आ रहा है तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू चैलेंज क्रिएट करो क्वेश्चनिंग सेंस लेके आओ और फिर जी को जो सही बातें पता थी वो ट्रांसेंड करवानी है हमने वरना तो कल्चर ऑफ इस्लाम ही खत्म हो जाएगा सो वट एवर इज राइट हैज टू कैरी थ्रू बट हु इज हुआ कॉलिफाइड वट इज राइट रॉन्ग दैट इज़ अ फादर सो वो हंड्रेड ईयर प्लान पढ़ें आप जाके वेबसाइट पर देखें कि मैं चाह क्या रहा हूँ और फिर आपको पता चले कि लॉजिकल लेआउट बड़ा आसान है कुछ चीज़ें मैंने टेक्निकल बोलिए उठा के वेबसाइट पे फेंक दें जो चीज़ें आपको इस वक्त एक्साइट करें कि क्या कुरान तो को ऐसे देखना है वो आपका आज की पॉडकास्ट का मम्बा है इनशाला